सबसे पहले तो YouTube को भी थैंक यू है और आप लोगों को भी थैंक यू है कि पिछली दो वीडियो जो हमने स्क्रीन वाला पर बनाई है दोनों ट्रेंड कर रही है बाबा दोनों। नमस्कार, मैं हूँ रौनक और आप देख रहे हैं स्क्रीन वाला। वेलकम, स्वागत। अगर आप एक छोटे शहर में बड़े हुए हैं और 80 या 90 के दशक की पैदाइश है जिसको आजकल की भाषा में 90s किड्स कहा जाता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बीटेक के बारे में न जानते हो। एक बार को तो ये हो सकता है कि हमारे ब्रेकफास्ट मेन्यू में चाय का ऑप्शन न हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हमारे करियर के ऑप्शन में इंजीनियरिंग न हो। बात तो सही है। हमारी जनरेशन के लिए इंजीनियरिंग जिंदगी जीने का रास्ता थी और अगर आपका दाखिला IIT में हो गया तो वो तो निर्वाणा अचीव कर लिया और यही अचीव करना ही हमारी जिंदगी का मकसद था। इतनी शिद्दत से तो शोले फिल्म में ठाकुर को गब्बर के हाथ नहीं चाहिए थे जितनी शिद्दत से हमारे घर वालों को IIT में रैंक चाहिए थी। और IIT भी BHU वाला नहीं होता था, खड़गपुर, मुंबई, मद्रास, कानपुर और दिल्ली वाला। बस इन्हीं IIT की इज्जत होती थी और यहीं पर एडमिशन हो जाने पर इज्जत होती थी, है कि नहीं? बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। उस वक्त घर परिवार के लोगों का फेवरेट फल आम, अनार, संतरा, अंगूर, चीकू नहीं होता था, उनका फेवरेट फल था मेहनत का फल जो IIT में एडमिशन के बाद ही मिलता था। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने इस तरह की जिंदगी जी है तो तुरंत से पहले नजदीकी सिनेमा की तरफ दौड़ लगाइए और ऑल इंडिया रैंक रिलीज हुई है जाकर उसको देख कर आइए। जी हाँ, ऑल इंडिया रैंक की कहानी 1997 की है जब लिबरलाइजेशन का दौर इंडिया में आ चुका था और करियर बनाने की दौड़ में IIT में एडमिशन नंबर 1 हो चुका था 2500 सीटों के लिए। जी हाँ, सिर्फ 2500 सीटों के लिए लाखों बच्चे सैकड़ों दिन की मेहनत के बाद एग्जाम देते थे और इन बच्चों को ट्रेन करने की जिम्मेदारी मिली थी राजस्थान के कोटा शहर को जो कि IIT एस्पिरेंट्स का हरिद्वार था। तो इसी कोटा में तैयारी करने आते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदार विवेक, जिनका रोल किया है बोधिसत्व शर्मा ने। विवेक लखनऊ से कोटा पढ़ाई करने आए हैं लेकिन IIT में जाना इनका खुद का सपना नहीं है, वो तो इनके पापा का सपना पूरा करने आए हैं। उनके पापा दूरसंचार विभाग में डिविजनल इंजीनियर हैं और क्योंकि उनके ऑफिस में बाकी लोगों के लड़के IIT की तैयारी कर रहे हैं इसलिए विवेक को भी IIT की तैयारी करनी होगी। विवेक लखनऊ से कोटा पहुंचते हैं और अपने किसी जानकार विक्की भैया के कमरे पर जाते हैं। अब सिंगल लॉन्डो का कमरा आपको तो पता ही है कैसा होता है, नहीं? कढ़ाई में 4 दिन पुरानी मैगी पड़ी है, दीवारों पर रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी के पोस्टर लगे हैं और घर में इतनी गंदगी है कि मकड़ी भी बोल रही है कि भैया थोड़ा साफ कर लो, जाला बनाना है थोड़ा तो साफ कर लो। संडे को मस्त नहा धो के आ। इसी वजह से विवेक के पिता उसको हॉस्टल में एक अलग कमरा दिला देते हैं और बुंदेला मैडम की कोचिंग में उसका दाखिला हो जाता है। लेकिन विवेक को ये जगह नसुड्डी लगती है। जी हाँ, एकदम पनौती। जो लोग सेंट्रल UP से नहीं है और उनको नहीं पता कि नसुड्डी का क्या मतलब होता है तो जाकर फिल्म देख लो। तो अपने पिता के सपने को पूरा करने का प्रेशर, एक अनजान सी जगह पर PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की पढ़ाई, टीनेज में हो रहे बदलाव और हॉस्टल के मेस की पतली दाल के साथ क्या विवेक IIT निकाल पाएगा? ऑल इंडिया रैंक इसी जर्नी को दिखाती है। फिल्म की बेस्ट चीज की बात करते हैं जो है इसकी डिटेलिंग। वरुण ग्रोवर की डेब्यू फिल्म है, बोले तो डायरेक्टोरियल डेब्यू है, लेकिन डिटेलिंग देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि पहली बार पिक्चर बना रहे भाई साहब। चाहे PCO से कॉल करते वक्त 4 मिनट का टाइमर देखने वाली बात हो या फिर सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान और शक्तिमान जैसे 90s के रेफरेंस, सब के सब एक नंबर। डिटेलिंग इस कदर बेहतरीन है कि पेंसिल नटराज की इस्तेमाल करी गई है, पेन रोटोमैक का और साइकिल रेंजर की। 90 के दशक में बड़े होने वाले लोग इस फिल्म को देखते ही डिटेलिंग के मुरीद हो जाएंगे। दूसरी बेस्ट चीज की बात करते हैं जो है कास्टिंग। फिल्म के जो किरदार हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमें अपने घर के आसपास लोग दिखते हैं। जबरदस्ती का ग्लैमर और एस्थेटिक का 14 बनने की कोशिश नहीं की गई है। सरकारी ऑफिस बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया जैसा 90 के दशक में होता था। लीड एक्टर एकदम शानदार दिखे ताकि देखने वालों की आंखों को अच्छा लगे, ऐसी भी कोई कोशिश नहीं की गई है। फिल्म की छोटी छोटी बातें ऐसी हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा, जैसे बेटा जब घर से दूर जा रहा है तो माँ उसको 52 लड्डू बनाकर देती है। इसी तरह जब विवेक का मन है लखनऊ वापस जाने का और वो जा नहीं सकता तो हफ्ते में एक बार कोटा स्टेशन जाता है और लखनऊ जाने वाली ट्रेन को स्टेशन जाकर देख लेता है। कसम से कलेजा खुश कर देते हैं ये सीन। फिल्म की बुराई करने के लिए हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं। हेलो, हाँ एक बात जो है वो यही है कि जो हमने ट्रेलर रिव्यू के टाइम पर भी करी थी कि ये फिल्म 2014 में लिखी गई फिल्म है। इस बीच स्टूडेंट और उनकी स्ट्रगल पर कोटा फैक्ट्री, एस्पिरेंट्स, 12th फेल जैसे कई सारे कंटेंट आ चुके हैं, इसीलिए ये फिल्म कुछ नया तो नहीं कहती, लेकिन हाँ फिल्म को आप एक बहुत ईजी वॉच कह सकते हैं। ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न भी नहीं है फिल्म में, इसलिए फिल्म हार्ड हिटिंग भी नहीं लगती। मुझे पर्सनली तो ठीक लगी भैया, लेकिन जिन 3-4 लोगों के साथ थिएटर में मैं गया था उन लोगों को फिल्म की अब्रप्ट एंडिंग से दिक्कत हुई है।
लेकिन फिर भी कुल मिलाकर ऑल इंडिया रैंक एक दिल से बनाई गई ईमानदार और मजेदार फिल्म, क्योंकि फिल्म लिमिटेड रिलीज करी गई है इसलिए आपको अपने मनपसंद थिएटर में अपने मनपसंद टाइम का शो शायद न मिले। लेकिन फिर भी मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ये फिल्म देखने जरूर जाना, खासकर अगर आप एक बच्चे के माता पिता हैं और 90s वाला टाइम दोबारा जीना चाहते हैं। तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 100 मिनट में फिल्म हो जाएगी खत्म, इसलिए हम भी ये वीडियो को करते हैं खत्म। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर मेरा रिव्यू देखने के बाद देखने की इच्छा हो रही है तो भी बताना। लेकिन हाँ, थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए, और हाँ अगर आपने अब तक प्यार नहीं दिया है बोले तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाना, वीडियो को भी लाइक करना। जल्दी मिलते हैं स्क्रीन वाला पर एक और कड़क वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।